सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं भगवान गणेश जी को याद करते किया गया कार्य कभी विफल नहीं होता। जी हाँ, शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है। हर शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश जी को याद किया जाता है, इससे काम में भी कोई विघ्न नहीं पड़ता, इसीलिए भी उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। जिनकी पूजा के लिए बुधवार का दिन सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इस दिन इनकी पूजा करने से अनंत सुख और अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करते समय किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको जीवन में शुभ फल मिलते रहें। सबसे पहले आपको बता दें, जो भी इंसान गणेश जी की सच्चे दिल से पूजा करता है तो उसके सभी रुके हुए काम बन जाते हैं। तो चलिए आपको गणपति जी की पूजा और बुधवार के उन 10 उपायों के बारे में बताते हैं जिन्हें करने से भक्तों के जीवन में धन वैभव की प्राप्ति होती है। पहले उपाय के तौर पर बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए गुड़ और धनिये का भोग लगाएं, इससे शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। आप भोग में मोदक या लड्डू का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। दूसरा उपाय है दुर्वा। शास्त्रों में दुर्वा को बहुत ही पवित्र माना गया है। बुधवार के दिन जो भी इंसान भगवान गणेश जी को दुर्वा समर्पित करता है उसके घर में पैसों की कमी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। बुधवार के दिन तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धोकर खाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें भगवान गणेश जी को भूलकर भी तुलसी ना चढ़ाएं। बुधवार के दिन घर से बाहर जाते समय घर से सौंफ खाकर निकलें, बड़े काम बन जाएंगे। अपने साथ हरा रूमाल जरूर रखें। हरा रंग बुधवार के दिन शुभ होता है, इस दिन हरे रंग का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो इस दिन हरे वस्त्र भी पहन सकते हैं। बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करते समय ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। इसके अलावा इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से मन को संतुष्टि मिलती है। कर्ज मुक्ति के लिए बुधवार के दिन सवा पाव मूंग उबालकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं, इससे जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन मूंग दाल और तांबे की वस्तुओं का दान करना शुभ होता है। ज्योतिष की माने तो बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ बुध ग्रह को भी समर्पित है, इसीलिए जिस भी जातक की कुंडली में बुध कमजोर है वो मंगल की रात को तांबे के बर्तन में पानी भरकर रख दें और फिर उसे सुबह ग्रहण कर लें। ऐसा करने से बुध से जुड़े सभी रोग दूर होते हैं। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।